क्लाइजन कंडेंसेशन बहुत आसान है। ये रिएक्शन हुई, एक एस्टर लिया हमने, बीटा कीटो एस्टर हमारे पास देखने को मिल रहा है। मैकेनिज्म सिमिलर है जैसी हमने एल्डोल में पढ़ी है। हमारे पास यहाँ पर ध्यान से देखिए पहले, फिर एक साथ लिख लीजिएगा। हमारे पास सबसे पहले क्या है, मान लीजिए ये सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर है। आपने एक बेस सेलेक्ट किया, आप कौन सा बेस सेलेक्ट करेंगे, ओ आर माइनस करेंगे या नहीं करेंगे। ओ आर माइनस इसलिए करा क्योंकि जो लिविंग ग्रुप होता है वही वाला बेस ले लिया जाए तो लिविंग वाली रिएक्शन एस एन ए ई वाली नहीं होगी, ये जगह नहीं होगी ना। अगर ओ आर की जगह ओ एच ले लेते तो ओ एच आता, ओ आर निकल जाता, या कोई और ले लेते आप बेस जैसे एफ माइनस ले लेते तो वो आता और ओ आर निकल जाता। तो कोई भी ऐसा बेस मत लो जो आपके लिए यहाँ पर एस एन ए ई रहे, बस सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन हो। इसलिए आपने एसिड बेस रिएक्शन लेना है आपको, आप चाहते हो कि ये वाला अल्फा हाइड्रोजन जो काफ़ी एसिडिक है वो निकले, तो आप उस तरह का बेस लो जो यहाँ पर लिविंग ग्रुप का भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये लिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सी एच टू ये वाला माइनस क्रिएट होगा जो कि एक अपने आप में काफ़ी स्टेबल एनायन है ड्यू टू रेजोनेंस। अब आपके पास ये स्टेबल एनायन है तो आपके पास अगला क्या होगा, सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, यहाँ माइनस आ चुका है आपके पास, ये माइनस आ चुका है। अब ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है तो ये हम अलग से लिख सकते हैं कि ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबल, सी एच टू डबल बॉन्ड सी ओ माइनस ओ आर, ये स्टेबल है, ये इन दोनों में कन्वर्ट होता रहेगा। लेकिन आगे सी एच टू माइनस, अब क्या होगा, ये सी एच टू माइनस अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी है, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो क्या करेगा, अटैक करेगा इसके ऊपर, क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ करेगा, सी एच टू माइनस सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर अटैक करेगा, किस जगह करने की कोशिश करेगा, वो इस तरफ, क्योंकि यही एक न्यूक्लियोफिलिक पॉइंट है और कहीं पर नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा तो आपके पास फाइनल कंपाउंड क्या मिलेगा, सी एस सी सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये वहां जा चुका है माइनस, और क्या बन जाएगा, सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये आपके पास मिलेगा, सही है। अब ये यहाँ आएगा और इसको बाहर जाना पड़ेगा तो फाइनली आपको क्या कंपाउंड दिखेगा, यहाँ पर सी एस सी सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। तो ये आपके पास क्या है, अल्फा कार्बन, ये आपके पास क्या है, बीटा बीटा कीटो एस्टर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, बीटा कीटो एस्टर। तो यहाँ कोई ऐसा बहुत ज़्यादा टफ मैकेनिज्म नहीं है, इन सब की मैकेनिज्म सिमिलर है। पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, उसके बाद क्या होती है, पहली रिएक्शन कौन सी होती है, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उनमें यही देखने को मिली है। और दूसरी कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि अगर हम बात करें एस एन ए ई रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक्स एडिशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इज दैट क्लियर, तो आप इसको बोल सकते हो एस एन ए ई रिएक्शंस। तो इन सब में आसान लैंग्वेज यही है, आप एक एस्टर ले रहे हो, ऐसा एस्टर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो की पॉइंट क्या बनेगा, की पॉइंट ओनली अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एस्टर, एस्टर गिव्स क्लाइजन कंडेंसेशंस, क्लाइजन कंडेंसेशंस, ये हमारे पास हो गया पॉइंट, लिखो जल्दी से। ये कुछ एग्जांपल है जिसको आप आराम से कर सकते हैं। आपके पास ये एक कंपाउंड है जिसमें आपको एल्डोल कंडेंसेशन जैसा ही कंडेंसेशंस करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, एसिड बेस रिएक्शन, बेस लेना है तो कौन सा लोग है, सी टू एच फाइव ओ माइनस, वही लोग है जो यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, सही है। तो आपने ये बेस ले लिया, अब आगे क्या होगा, प्रोडक्ट आपको मालूम है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, पहले सी एस सी
एक तरह से क्या बनेगा, सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव बन जाएगा, ये बनेगा या नहीं बनेगा, ये फिर वापिस इसी पे अटैक करेगा, तो फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा आपके पास, सी एच सी सी डबल बॉन्ड ओ, ध्यान से देखिएगा ये वाला माइनस आएगा ये निकल जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास क्या बनेगा, सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव, तो ये आपके पास बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे बीटा कीटो एस्टर, तो वो हमारे को दिख ही रहा है। दूसरा अगर हम बात करेंगे सी टू एच फाइव ओ माइनस, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, यहाँ हमारे को लेना पड़ेगा सी एच थ्री ओ माइनस, तो यहाँ हमारे पास बनेगा सी एच टू सी एच थ्री माइनस डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, पहले ये बन जाएगा। हमेशा अल्फा हाइड्रोजन ही एसिडिक होने की वजह से निकलता है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, इस तरफ से ये माइनस अटैच होगा और वहां जाएगा, तो सी टू एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू सी एच थ्री आपको देखने को मिलेगा, सही है, क्लाइजन में। तो कोई बहुत ज्यादा बात दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ सी एच थ्री ओ माइनस ले लिया आपने, तो बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे आप, ठीक है, कैसे, क्योंकि आपके पास इंटरमीडिएट अब क्या बन जाएगा, सी एच थ्री, ये बेस है, यहाँ से भी निकाल सकता है, क्या निकालेगा, सी एच टू माइनस सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव, एक तो ये बन जाएगा आपके पास, दूसरा क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू की जगह सी एच, यहाँ हमारे पास माइनस रहेगा या नहीं रहेगा, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो जब यहाँ हमारे पास माइनस आ जाएगा इस जगह, ध्यान से देखिए सी एच क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन इसका निकाल देगा, तो यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री आपके पास देखने को मिलेगा। अब आपके पास दो दो क्या हो गए, न्यूक्लियोफाइल हो गए, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल, ये वाला इसके साथ भी जा सकता है, ये वाला इसके साथ भी जा सकता है, तो इस तरह से कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, चार, चार कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, पहले इसको देखो, ये इसके साथ चला गया सी एच सी सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर उसके बाद सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव, पहले नंबर का प्रोडक्ट। दूसरे नंबर का प्रोडक्ट क्या रहेगा आपके पास, ये इसके साथ चला गया सी टू एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव, बोलो यस और नो। तीसरे नंबर का प्रोडक्ट क्या रहेगा इस जगह, थर्ड नंबर का, ये वाला इसके साथ जा रहा है, तो कैसे रहेगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव ओ सी एच थ्री, ये इसके साथ चला गया, तो फोर्थ नंबर का प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, सी एच सी टू एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ, नेक्स्ट सी एच इधर सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव, बोलो ईजी है या नहीं है। तो कोई भी चीज़ टफ नहीं है, बस करने का तरीका होना चाहिए, उतार लीजिए सब। देखो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हमें नहीं बताया जा रहा है कि कौन सी रिएक्शन है, क्योंकि एग्जाम में कभी नहीं लिखा होता कि एल्डोल है या कैनिजारो है। तो सबसे पहले वाली रिएक्शन का नाम क्या होगा, एल्डोल, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले एल्डोल में क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन में आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड ओ और यहां माइनस आएगा, यस और नो। अब यहां पहली रिएक्शन हमेशा एसिड बेस रिएक्शन होती है इन सभी में, जो भी अपन एल्डोल वाला पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद होती है या तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। यहां कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या एडिशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन, वेरी गुड। तो ये क्या करेगा, इस जगह अटैक करेगा इसी जैसे मॉलिक्यूल में एक और, तो फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा आपके पास, ध्यान से देखो, ये ओ हो जाएगा माइनस और ये यहाँ अटैक कर देगा, समझ रहे हैं, तो कैसा बनेगा, इस तरह का कंपाउंड बनेगा, एक ने अटैच कर दिया डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा, आएगा या नहीं आएगा, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। फिर इसका क्या होगा, हाइड्रेशन हो जाएगा, इसमें हाइड्रेशन हो जाएगा, एच यहाँ लग जाएगा, तो ये आपके पास हाइड्रेशन हुआ और ये आपने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया, क्लियर है। अब क्या होगा इसके बाद, बिल्कुल इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर आपने हीटिंग भी कर दिया
अब क्या होगा, डिहाइड्रेशन। पहले क्या हुआ था, हाइड्रेशन, अब डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, माइनस एच टू। माइनस एच टू के लिए कौन सा हाइड्रो ये यूज करोगे, यही, और कुछ भी यूज नहीं करेंगे। बोलो क्लियर है? तो जब आपने ये यूज किया तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, एक तरह से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, फाइनल प्रोडक्ट। बोलो आ रहा है समझ में? बस ये आपको सोचना था, सही है? तो जैसे आपने ये सोच लिया आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट, इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन। क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं है? इधर देखो सामने है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। बीटा इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता कि OH निकाल सके। क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है, है। तो क्या बनेगा, CH3CH-NO2, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन रेजोनेंस, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में आता है, तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होगा। तो नाइट्रो ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है और उससे अटैच हाइड्रोजन एसिडिक है, श्योर। अब इधर के बाद क्या होगा, इसके बाद ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा इसके ऊपर। तो क्या बनेगा अगला पॉइंट, ये आपके पास बेंजल्डिहाइड हो गया। तो ये चीज आ गई सी डबल बॉन्ड ओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओ माइनस और एच, और क्या बन जाएगा, CH3CH-NO2। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? तो ये हमारे पास अटैच हो रहा है, तो एक ये तो वहां चला ही गया हमारे पास, तो एक दो तीन कहीं हमारे से कहाँ अटैचमेंट में गलती हो रही है, कि हमारा ये वाला हाइड्रोजन गलत है, ये नीचे आएगा इस तरह से। अब सही है, पक्का? तो हमारा फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा, ये इस तरफ देखो सामने OH माइनस, क्या इससे निकाल सकता है क्या, नहीं निकाल देता तो यहाँ एल्डोल ही हो जाता, फिर साइनो एल्डोल देखने की जरूरत नहीं होती। ये साइनो एल्डोल का एग्जाम्पल है, कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है ये। तो क्या बनाओगे, CH2-CN। अब क्या करोगे आप, ये CH2- को यहाँ अटैक करोगे या नहीं करोगे, करोगे ना, तो क्या बनेगा जल्दी से बताओ, HCO- और क्या बन जाएगा, H, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2CH2CN, बनेगा या नहीं बनेगा, बन गया। अब क्या होगा, इसके अलावा हाइड्रेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक तरफ से इसको H मिल जाएगा, तो एक तरफ से CH2OH, यहाँ पर CH2CN, यही देखने को मिलेगा। देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ये हमारे पास छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे को दिमाग में बैठा के रखनी है, ठीक है? थोड़ा सा नीचे जब ऑप्शंस देखते हैं तो नीचे प्रोडक्ट पे भी ध्यान रखते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या हमारे को यहाँ कोई हीटिंग वीटिंग का साइन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो बस डिहाइड्रेशन नहीं करेंगे। ये हमारे पास है ACO-, क्या यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है एसिडिक, हाँ या ना, बोलो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो अब क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन इसमें है या नहीं है, है, तो इससे निकाल दो। इसमें से निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास है CH2 रह जाएगा, CH2C-, इसका निकाल चुके हैं आप, जानते हैं ये एसाइल का मतलब, ये आपके पास ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड है। बस अब क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक हो गया, ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर अब, तो ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ये बना, और यहां क्या कर दोगे, CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। और यहां पर जो आपके पास था ये किस पे अटैच हुआ था, एक कार्बन कम रह गया हमारे पास, CO-H CH2, यस और नो, आ रही है बात समझ में? अब क्या करेंगे हम, बिल्कुल इसका हाइड्रेशन करेंगे, पहले हाइड्रेशन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा मीडियम में, तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा, लेकिन क्योंकि मीडियम में OH भी है तो पहले हाइड्रेशन दिख के ये दिख रहा है। अब अगला क्या होगा, थोड़ा सा भी आपने गर्म किया, हीटिंग किया, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ओ। डिहाइड्रेशन होते ही यहाँ डबल बॉन्ड होगा और ये स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, तो कुल मिला के आपको क्या कंपाउंड मिलेगा, आपको ये कंपाउंड मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH2 C
डबल बॉन्ड ओ ओ ये पूरा निकल जाएगा, तो यहाँ आपको क्या रह जाएगा, ओ एच लिविंग ग्रुप है, और ये डिहाइड्रेशन। तो एक तरह से इस तरह का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो डरने की जरूरत नहीं है, ये सब बहुत इजी होते हैं, करिए इसको। यहाँ पर सी एच होगा, ये हटाना। तो चलिए, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत सही है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पर ओ एच माइनस है, ओ एच माइनस सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, तो ये हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है। हमने इसको 1 2 3, 1 2 3, बस ये है कि हमने इसको इस तरह से लिख दिया, और एसिडिक हाइड्रोजन निकालने के बाद ये नेगेटिव चार्ज बन चुका है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज किसी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को ढूंढ रही होगी, उसने C6H5CHO दे रखा है, इसका मतलब इसके ऊपर अटैक कराना है अपन को। तो क्या होगा इस जगह, जब ये अपन इसके ऊपर अटैक कराएंगे, ये बेंजल्डिहाइड हो गया एक तरह से, सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, बोलो जाएगा या नहीं जाएगा। तो फाइनली कंपाउंड क्या बनेगा आपके पास, सी डबल बॉन्ड ओ की जगह ये ओ माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सी एच पी एच, बोलो क्लियर है ये। पी एच का मतलब फिनाइल रिंग। अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हुआ क्योंकि, और फिर उसके बाद गर्म हो गया, तो कुल मिला के आपको अभी ये कंपाउंड देखने को मिलेगा। सी ओ एच पी एच डबल बॉन्ड ओ, ये आपको देखने को मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये हीटिंग करते ही ये वाला एच को लेने की कोशिश करेगा, ठीक है, और तो कुछ करेगा नहीं। तो हमारे पास एक तरह से, तो यहां जैसे ही हीटिंग करेंगे तो ये एच और ओ एच निकल गया, तो फाइनल कंपाउंड आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये दिखाई देगा इस तरह से, यहां पर डबल बॉन्ड ओ, यहां पर सी एच पी एच, ये डबल बॉन्ड इसके साथ भी रेजोनेंस में, ये इसके साथ भी रेजोनेंस में, तो बनने वाली एल्किन काफी स्टेबल हो गई। क्लियर है? देखिए, ये हमारे पास है, दिख ही रहा है, परकिन कंडेंसेशन है। जब भी ओ एच माइनस होता है तो ये आपको एल्डोल या कैनिजारो दिखता है, बाकी दूसरे बेस में आपको एल्डोल कैनिजारो नहीं दिखता। और अगर आपके पास एसीटेट आयन है तो परकिन, और अल्कोक्सी आयन है तो क्लाइजन, बस इतना दिमाग में रखना। तो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, है क्या, नहीं है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ये बेस जो, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या ये इसका अल्फा हाइड्रोजन ले पाएगा, नहीं। अब ये किसका लेगा, इसका लेगा, तो आपके पास रिएक्शन क्या होगी सबसे पहले, इसके अंदर, अगर इसके अंदर 7 के अंदर आप आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, आपका एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये है आपके पास कंपाउंड, सही है। अल्फा हाइड्रोजन निकाल के तो देखो एक बार, सी एच टू माइनस सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, बोलो हाँ या ना, सही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो अब अगला क्या होगा, यहाँ पर सी एच टू माइनस आएगा, किस पे आएगा, इस सी एच टू माइनस एक क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो अब वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा, कहाँ पर करेगा, न्यूक्लियोफाइल सेंटर पर, तो सामने वाला ये वाला क्या है, सी एच ओ, यहाँ आ जाओ भैया, हम इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगली रिएक्शन के अंदर ये कंपाउंड जो कि इस तरह से ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो यही बनेगा। अब क्या होगा, कोई लिविंग ग्रुप है नहीं इसके अंदर, हाइड्रेशन होगा, तो क्या बन जाएगा अगली स्टेप में, हाइड्रेशन H2, तो ये क्या करेगा, HOH, H लेगा, OH बाहर निकाल देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना आपके पास इस जगह, ये OH है,
CH CH CH2, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3। लेकिन हाइड्रोलिसिस इसका भी होगा, HOH। तो आपके पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ एसिड बन जाएगा, और दूसरा भी CH3 COH में अलग हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रेशन। तो आपके पास ये बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एच प्लस के साथ आपने क्या कर दिया, गर्म, तो ये एच अलग हो जाएगा इस H2O की फॉर्म में। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OOH। समझ में आ रही है बात? तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट देखो, इस तरह की रिएक्शंस दी हुई है। ये इंट्रामोलिकुलर क्लाइजन कंडेंसेशन जैसी रिएक्शंस है। आप ये बताइए, ये बेस है, देखते जाओ, समझना मेरी बात, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ये बेस अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा, अल्फा हाइड्रोजन इसमें तो नहीं है, इसमें है, हाँ, तो ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन को निकाल रहा है एक तरह से समझे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास यहां माइनस, यहां माइनस, क्योंकि दो बार होगी, हम एक ही बार में लिख रहे हैं, लेकिन अलग, CO(C2H5) COO(C2H5)। बोलो यस और नो, दो बार होगा, क्लियर है? अब ये दो बार होगा तो इसमें भी दो बार ये है, ये सीधा एक दूसरे से क्या बनने की कोशिश करेगा, ज्वाइन करेगा, करेगा या नहीं करेगा? तो अब आप इसको देखिए, इसमें क्या रखा दिखाई देगा आपको, प्लस सी, इसको सी सी, यहां पर प्लस प्लस। क्यों मैं प्लस ले रहा हूं, क्योंकि यहां मैं ओ माइनस ले रहा हूं और ये ओ सी टू एच फाइव ले रहा हूं मैं, ओ सी टू एच फाइव, ये ओ माइनस, ये दोनों प्लस, ये दोनों माइनस के साथ बॉन्ड बनाएंगे, कैसा दिखाई देगा, ये इस तरह से करके मैंने दिखा दिया, ध्यान से देखना। हो ये रहा है कि मेरे को ये चिपकाना है वहां पर, तो अब इस जगह दिक्कत ये आ रही है कि जब आप इसको चिपकाएंगे तो इसको थोड़ा सा छोटा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये पीछे की तरफ है, छोटे दिखाने का मतलब है पीछे की तरफ है, और यहां माइनस है, तो ये जो माइनस है इसको आपको क्या दिखाना पड़ेगा, इस कार्बन के साथ अटैच करना दिखाना पड़ेगा, सी ओ माइनस, पक्का? और क्या हो जाएगा, ओ सी टू एच फाइव, ओ सी टू एच फाइव, और यहां पर भी सी ओ सी टू एच फाइव, और ये ओ माइनस, यहां नहीं, नीचे की तरफ सी ओ माइनस ओ सी टू एच फाइव। बोलो यस और नो, क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन कर दिया, ये यहां तक पहुंच गए आप, ए तक करने में एच एच लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन एसिडिक हाइड्रेशन कर दिया आपने। अब यहाँ एच एच दिखा सकते हैं, किसको बताने के लिए, बी के लिए, ये मैंने एच एच निकाल दिया अगली स्टेप में, कोई डाउट नहीं है। अब एसिडिक हाइड्रेशन करते ही आपके पास क्या होगा, बहुत सारा कुछ दिखने को मिल रहा है। पहला, एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, जल्दी बोलो, एस्टर। अच्छा, एक और चीज है जो अभी भी हमारे साथ चल रही थी, वो है COO(C2H5) COO(C2H5), ये भी तो है हमारे पास, ये वहां अटैच हो रहा है, बोलो क्लियर है? तो ये हमारे पास अभी तक ये हो रहा है, और जैसे एसिडिक हाइड्रेशन करेंगे आप, आपके पास सारे क्या हो जाएंगे, एसिडिक हाइड्रेशन करते ही ये जितने भी हैं, ध्यान से सुनना, चेंजेस हो जाएंगे। अब यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या मिल जाएगा, इस तरह से मिलेगा, देखना ध्यान से, ये मिल जाएगा आपको सी डबल ओ एच, क्योंकि ऐसे डेरिवेटिव सारे एसिड में चेंज हो जाते हैं। बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कार्बन एज इट इज था आपके पास, ये कार्बन एज इट इज चलेगा अभी भी, सही है? यहां पर क्या होगा, यहां पर कीटोन मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी क्या होगा, ओ एच, ओ एच,
तो एक तरह से क्या बन जाएगा, सी डबल ओ एच, और बोलो क्लियर हुआ, बोलो यस और नो, ये आपके पास मिलेगा एसिडिक हाइड्रेशन। अब क्या होता है बच्चों, इसके बाद ये चीज समझ में आई या नहीं आई, इसका हाइड्रेशन हुआ, इसको भी OH, इसका हाइड्रेशन हुआ, इसको भी OH, तो एक ही कार्बन पे दो OH की जगह आप क्या बना लोगे, कीटोन। समझ में आ रही है बात, तो ये कीटोन बन गया। अब आगे क्या होगा, अब आगे अगर एक ही कार्बन पे कार्बोनाइल और सी डबल ओ एच होता है और उसको हीटिंग करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, एक ही कार्बन पे अगर कार्बोनाइल पे है सी डबल ओ एच भी और कार्बोनाइल भी है, हीटिंग करते ही कार्बोनाइल ग्रुप गायब हो जाता है, इसको बोलते हैं पायरोलिसिस ऑफ कार्बो एसिड्स। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, तो ये सी डबल ओ एच, ये क्या रह जाएगा सी एच ओ, और ये क्या बन जाएगा सी एच ओ, ये अभी तक हमारे पास रहेगा। कोई डाउट, सही है। अब क्योंकि मीडियम बेसिक है,